हेलो गाइस, मैं हूँ आशा, कुक विद आशा। डिलीशियस फूड में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे टेस्टी क्रिस्पी मेथी के पराठे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेथी के पराठे बनाने के लिए मैंने 1 बंच मेथी लिया है और इसको मैंने तोड़ के 2 पानी से वॉश करके और एक स्ट्रेनर टाइप के परात में मैंने धो के से रख लिया है। और अब ये देखिए, मेथी को मैंने बारीक कट कर लिया है। साथ ही में मैंने एक प्याज को बारीक कट कर लिया है और एक मैंने हरी मिर्ची ली है। और अगर आप हरी मिर्ची नहीं लेना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। और अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई है। सॉरी, बाई मिस्टेक मेरा कैमरा थोड़ा हिल गया। तो अब इसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है। और अब ये देखिए, जैसे ही देसी घी थोड़ा मेल्ट हुआ है, मैंने इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाला है और जीरा को मैं थोड़ा चटकने दूंगी। और अब मैंने प्याज और हरी मिर्च कटी हुई इसमें डाल दी है। तो प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा इसे सौते करना है। और अब ये देखिए, मैं इसमें मेथी ऐड कर रही हूँ। कटी हुई मेथी मैंने इसमें ऐड कर ली है और प्याज और देसी घी के साथ इसको थोड़ा फ्राई कर लूँगी मिक्स करके। गैस का फ्लेम हम लो मीडियम रखेंगे। और अब ये देखिए, प्याज के साथ थोड़ा ये फ्राई हो गया। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैंने 1 छोटा चम्मच नमक इसमें ऐड कर लिया है और 1/2 छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। और मैं 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। अब सभी मसालों को मेथी के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। और अब 1/2 छोटा चम्मच मैं अमचूर पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। अमचूर पाउडर ऐड करने से मेथी की कड़वाहट कम हो जाती है। और अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके स्टीम में कुक होने दूंगी। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। अब मैं मेथी के पराठे बनाने के लिए 2 कप आटा निकाल रही हूँ। ये मैंने गेहूँ का आटा लिया है। तो 2 से 2.5 कप मैंने गेहूँ का आटा एक बड़े बाउल में निकाल लिया है। और इस आटे में 1/2 छोटे चम्मच अजवाइन में डाल लूँगी। और अब इस आटे में 1/3 टेबल स्पून में नमक डाल रही हूँ। नमक को अच्छे से स्प्रिंकल कर लेंगे आटे में। और इस आटे में 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। और अब सभी मसालों को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। और अब ये देखिए, मैं कढ़ाई का ढक्कन हटा रही हूँ। मेथी हमारी स्टीम में कुक हो गई है और अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। और अब इस मेथी को हमें इस आटे में मिक्स करना है। तो देखिए, धीरे धीरे मैं सारी मेथी को आटे में मिक्स कर लूँगी। तो अब ये देखिए, स्पून की हेल्प से मैं आटे में मेथी को धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ। हम हाथ से नहीं मिक्स करेंगे क्योंकि बहुत गर्म है। और अब ये थोड़ा ठंडा हो गया, अब मैं हाथ से इसको मिक्स कर रही हूँ। और ये देखिए, मेथी को मैंने आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं आटे में ये 2 से 3 चम्मच मेल्ट किया हुआ देसी घी इसमें ऐड कर रही हूँ। आप रिफाइंड ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आटे में इस तरह से 2-3 चम्मच देसी घी ऐड करने से जो हमारे पराठे हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखिए, देसी घी और मेथी को मैंने अच्छे से आटे में मिक्स कर लिया है। और इस तरह से बाइंड करते हुए मुझे इसे धीरे धीरे मिक्स करना है। और मेथी भी हमारे पहले से कुक है तो इसलिए मेथी के पराठे बनाने में हमें कोई देर नहीं लगेगी। बहुत जल्दी हमारे पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, मैं इनको धीरे धीरे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसे आटे को अच्छे से गूंथना है और एक सॉफ्ट आटा हमें लगाना है। तो ये देखिए, आटा गूंथ कर मैंने तैयार कर लिया है। और ये कटोरी में बचा हुआ घी भी मैं ऊपर से आटे के ऊपर से लगा रही हूँ ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए और चिकना बन जाए। देखिए, आटा गूंथ कर मैंने रेडी कर लिया और एकदम सॉफ्ट आटा मैंने लगाया है। तो चलिए अब इसके पराठे बनाते हैं। तो ये देखिए, एक मीडियम साइज़ की आटे की लोई मैं ले रही हूँ और इसको मेरे को गोल करके एकदम राउंड बनाना है और बीच से चपटा करके अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा मैं लगा रही हूँ और इसको एकदम रोटी की तरह मुझे बेलना है। और अब ये देखिए, थोड़ा सा बेलने के बाद 1 चम्मच देसी घी मैं इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ और इसको ट्राइंगल शेप में मैंने इसको फोल्ड कर लिया और फिर से सूखा आटा लगा के अब मुझे इसको ट्रायंगल शेप में ही बेलना है। तो ये देखिए, पराठा हमारा एकदम ट्रायंगल शेप में बनकर तैयार है। अब मैंने गैस पे एक तवा रखा है और तवा भी हमारा गर्म है। तो चलिए चलिए अब पराठे को हम तवे पे सेकते हैं। तो ये देखिए, तवे पे मैं पराठे को डाल रही हूँ। तो ये देखिए, जब तक पराठा हमारा एक साइड से कुक हो रहा है तब तक मैं एक आटे की लोई और तोड़ के उसको गोल गोल करके बीच से दबा लूँगी। तो ये देखिए, एक साइड से पराठा हमारा थोड़ा कुक हो गया है। मैंने दूसरी साइड उसे पलट लिया है। अब दूसरी साइड से मैं 1 चम्मच घी पूरे पराठे पे स्प्रेड कर रही हूँ, कॉर्नर में स्पेशली, ताकि कोने से भी ये कच्चा नहीं रहना चाहिए।
और अब ये देखिए पराठे को मैंने दूसरी साइड पलट लिया है। अब दूसरी साइड से भी मैं इसमें एक चम्मच देसी घी अच्छे से चारों तरफ फैला रही हूँ। और गैस का फ्लेम मैंने लो मीडियम ही रखा है। ये देखिए चारों तरफ दूसरी साइड से भी घी लगा के मैंने अलट पलट के दोनों साइड से अच्छी तरह से घी लगा के पराठे को एकदम क्रिस्पी बना लिया है। और अब मैं इसको एक प्लेट में निकालूंगी। तो ये देखिए पहला पराठा हमारा बनकर तैयार है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। सेम इसी तरह से दूसरा पराठा भी मैं बना लूँगी। इनको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप सर्दियों में मेथी के पराठे ज़रूर बनाएं और अपने परिवार को भी खिलाएं। ये दूसरा पराठा भी मैंने सेम उसी तरह से ट्राइंगल शेप में फोल्ड करके अब मैं इसको बेल रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर मैंने इसको भी बेल लिया है। तो ये देखिए ट्राइंगल शेप में दूसरा पराठा भी हमारा एकदम बिलकर तैयार हो गया है। और अब इसको भी मैं गर्म तवे में डाल रही हूँ। और गैस का फ्लेम भी हमें लो मीडियम ही रखना है। अब ये एक साइड से कुक हो गया है, मैंने दूसरी साइड इसे पलट लिया है और दूसरी साइड से मैं इसके चारों तरफ घी को फैला रही हूँ। तो ये देखिए एक चम्मच घी मैंने पराठे के चारों तरफ फैला लिया है। और अब ये देखिए घी लगाने के बाद दूसरी साइड मैंने इसे पलट लिया है। अब दूसरी साइड से भी मैं इसमें घी लगा रही हूँ। एक चम्मच घी दूसरी साइड से भी मैंने पूरी तरह इस पर स्प्रेड कर लिया है। अब इसी तरह से हम सारे ही पराठे बना लेंगे। तो ये देखिए अलट पलट कर दोनों साइड से घी लगाकर मैंने इसे अच्छे से सेक लिया है और एकदम क्रिस्पी पराठा ये दूसरा भी हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए मेथी का दूसरा क्रिस्पी टेस्टी पराठा भी हमारा बनकर तैयार है। अब इसको भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखिए दोनों पराठे मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं और इसको सॉस और अचार के साथ मैं सर्व कर रही हूँ। तो आप भी इस तरह से पराठे बनाइए। तो ये देखिए गर्मा गर्म मेथी के पराठे बनकर हमारे रेडी हैं। और आप चाहो तो इसके ऊपर एक स्लाइस बटर का भी डाल सकते हो। मैंने इसमें बटर नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी मैंने देसी घी में ये पराठे बनाए हैं। मैं इन गर्मा गर्म पराठों को अचार और टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो रायते और आलू की सब्ज़ी के साथ भी इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको मेरी मेथी के पराठों की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए एक पराठा मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये कितना टेस्टी क्रिस्पी है। तो ये देखिए बाकी सभी पराठे मैंने बना लिए हैं। बाकी सभी पराठे मैंने मोस्टली गोल शेप के ही बनाए हैं। अगर आपको जल्दी हो तो आप फटाफट गोल शेप में ही पराठे बना सकते हैं। और जब आपको गेस्ट को प्रेजेंट करने हो तो आप ट्राइंगल शेप के ही पराठे बनाएं। तो ये देखिए गोल शेप के सारे पराठे मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगली रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।